मॉर्निंग आपको, मॉर्निंग जी मॉर्निंग। तो संडे के दिन सब संडे मनाते हैं, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। तो आप संडे को आप संडे क्यों समझते हो? अपनी पढ़ाई का एक अहम हिस्सा समझो आप लोग। देखिए, अगर आपका आज की डेट में बीसीआर नहीं होती तो मैं संडे कभी नहीं बुलाता आपको। अब आपकी बीसीआर ऑलरेडी होती है तो मैंने कहा एक के नहीं क्या हो गए, थोके नहीं आ जाओ, आप ही का तो फायदा खराब है। लेकिन संडे को भी आप संडे मना रहे हो यार। माना कि संडे को संडे मनाना चाहिए बट नहीं मनाओ जब तक सीए कर रहे हो। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग आज का नया टॉपिक। ये भी 5 नंबर का आता है एग्जाम में, जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं पेपर में इसके, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। मतलब आपको इस चैप्टर के अंदर यह बताना है कि भैया किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ईस्ट जा रहे हो, वेस्ट जा रहे हो, साउथ जा रहे हो, नॉर्थ जा रहे हो। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर। और इसमें भी जैसे कोडिंग डी कोडिंग की तरफ प्रैक्टिस चाहिए आपकी, इसमें भी प्रैक्टिस ही चाहिए आपकी। एक बार हम कॉन्सेप्ट देंगे उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग आपको अगर मैंने 100-150 क्वेश्चन दिए थे उसके कोडिंग डिकोडिंग के, तो 50-60 तो कर ही नहीं होंगे आप लोगों, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से, ठीक है? और इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, माना निकम्मे हो तो इतने तो निकम्मे नहीं होगी, कुछ भी नहीं किया होगा आप लोगों ने, ठीक है? तो इंतजार करूं या स्टार्ट करूं? स्टार्ट करूं, कोई नहीं है मैदान में अब, चलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा निर्देश, आप किस तरफ जा रहे हो। तो देखो डायरेक्शन के अंदर आपको चारों दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, चारों दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, केवल चारों दिशाओं का ज्ञान। देखिए आपको ये होती है डायरेक्शन, यहां पे राइट हैंड में होता है ईस्ट, यहां पे होता है वेस्ट, ऊपर की तरफ मुंडी में होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। ये चार डायरेक्शन होती है मेन आपकी, ये चार मेन डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब सर आप टेढ़े मेढ़े जा रहे हो तो टेढ़े हो गए तो ये होगी डायरेक्शन, इसे कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। अगर आप इस तरह जा रहे हो तो कहेंगे साउथ ईस्ट, इसे कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, इसे कहेंगे साउथ वेस्ट। केवल इतनी ही डायरेक्शन आपसे पूछेगा। डायरेक्शन में 5 टॉपिक है और 500 से 1 क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्शन में 5 टॉपिक है और 500 से 1 क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का। कई बार 4-2 क्वेश्चन रिपीट मार जाते हैं मतलब एक जैसे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो सिंपल होगा कि आप राइट गए, लेफ्ट गए, फिर सीधे गए, फिर लेफ्ट गए, फिर राइट गए, फिर लेफ्ट गए, फिर राइट गए। इन्हें फिल्म में बोलता नहीं है लेफ्ट जाओ फिर राइट जाओ फिर राइट जाओ फिर लेफ्ट जाओ फिर वापस घूम के मेरे पास आ जाओ। तो वही क्वेश्चन कहेगा आपसे कि मिस्टर एक्स गया पहले सीधा, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर बताओ वो किस तरफ उसकी मुंडी है। तो पहला टॉपिक तो ये आता है। दूसरा टॉपिक आता है बताओ उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, इनिशियल जगह से कहां पहुंच गया। तीसरा टॉपिक आता है कि वो घड़ी के हिसाब से घूमता है या घड़ी के विपरीत घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये 3 मेन टॉपिक है। चौथा आता है उसकी परछाई वाला कि वो इधर खड़ा है तो बताओ उसकी परछाई किधर पड़ेगी। तो 4 या 5 टॉपिक हैं जो आपको कवर अप करने हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा, देखो मैं हार्ड क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इसका, मैं बता रहा हूं
आपको प्रैक्टिस आपको चाहिए मुझसे ज्यादा, आपको कॉन्सेप्ट सबके दूंगा जैसे आपने उसमें कहे थे, बला ब्लू में क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, जो डाउट आएंगे हम लोग हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। अब वो कौन सा काम देख लेते हैं। चलिए तो पहले हम करते हैं कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो हमारी किताब के एग्जांपल्स हैं, कुछ करेंगे। पहला, एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर कोडिंग डिकोडिंग का सॉल्यूशन मत दो मुझे, निगाह चली जाती है और बदतर हो गई। मैंने उससे कह दूं, हो सकता ऑनलाइन बैठा हो बच्चा, कि बेटा आप जब भी क्वेश्चन करो आप अपना ढक लो वहां पे आंसर, आप देखते क्यों, वो तो आपकी मदद के लिए दिया गया था कि अगर आप अटक रहे हो तो डायरेक्शन चेक कर लो, क्योंकि आप हर मिनट में मुझे कॉल कर दोगे, मैसेज कर दोगे सर ये नहीं आ रहा, तो कुछ हेल्प करने के लिए वो सोल्यूशन दे दिए गए आपको, वहां से आप समझ सकते हो। नहीं, अगर मैं 150 क्वेश्चन अगर डायरेक्शन या उसमें आंसर दे दूंगा तो आप हर चौथे क्वेश्चन मुझे कॉल करोगे, और वो क्वेश्चन ना जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है वो ऐसे बताए जाते हैं क्लास में बैठ के, जब तक उसका डायग्राम ही कल ही नहीं बताया जाए, ठीक है। एकदम पूछोगे तो मैथ्स के क्वेश्चन हम एकदम बता देंगे, लेकिन जब कोडिंग डिकोडिंग देते हो तो हमें भी देखना पड़ता है कि क्या कहना चाहिए, किस प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, हमें कौन सा आंसर रहने पड़े होते हैं, ठीक है, तो देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको टाइम लग जाता है हमें रिप्लाई करने में, और कई बार हम क्लास में होते हैं और हमें क्वेश्चन आया उसके बाद हमारे माइंड से निकल जाता है, क्योंकि आपने पूछा 10 बजे, हम शाम को रात को 8 बजे पहुंचे, हमें खुद याद नहीं कि किसी बच्चे ने 10 बजे क्या पूछा था हमसे, कई बार ऐसा भी हो सकता है हमारा। तो इसमें आप समझे करो ये इंसान की प्रॉब्लम, ठीक है। आप अगर आपको भूल गए तो आपको याद दिला दे करो सर ये मैं भूल गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ए मैन स्टार्ट, एक आदमी ने चलना स्टार्ट किया फ्रॉम ए पॉइंट, तो आप कोई भी पॉइंट मान लो, ये पॉइंट ले सकते हो आप, ये पॉइंट से चलना स्टार्ट किया आपने, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा एक लाइन, इसमें खा लो मां कसम जो क्वेश्चन करेगा मैं वैसा वैसा करूंगा, दिमाग लगाऊंगा ही नहीं अपना कुछ भी, क्वेश्चन के पीछे पीछे चलूंगा मैं। कितने चला वो, 2 किलोमीटर चला, कहां चला, तो अगर आप यहां पर हो सोच के देखो तो आप नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ जाओगे, यहां पे जाओगे ऊपर जा रहे हो, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, उसके बाद यहां पहुंच गए, 2 किलोमीटर जाने के बाद आपने क्या किया, टर्न टूवर्ड्स हिज राइट, आप राइट में मुड़ गए। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपका राइट इस साइड होगा, इस साइड होगा, मतलब इस साइड होगा, मैं बैठा हूं मेरा राइट है इस साइड होगा, तो आप इधर मुड़ गए, कितना किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले, चल दिए एंड टर्न राइट, अब यहां पहुंच गए, फिर मूड खराब हो गया, आपने कहा मैं राइट मुड़ूंगा, तो फिर राइट नीचे आएगा ऊपर आएगा, नीचे आ गए, नीचे मुड़ गए, फिर चले, अब आप नीचे जा रहे हो तो आपका जो फेस है वो किस साइड है, नीचे, नीचे क्या होता है, साउथ, तो आंसर इज साउथ, बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पहला क्वेश्चन करिए फटाफट, डायग्राम बनाइए, कॉपी में लीजिए, सर ये तो बढ़िया है, इसमें मैथ लगानी नहीं दिमाग, ये तो CUCT में हमने बहुत किए थे, रिजल्ट आ चुका है, CUCT साथ कराया था ना, 96-97% आई है मिनिमम, इसका एडिशन होगा 100 वालों का भी एडिशन होगा, कितने सीट, कितना आया हाईएस्ट, 786, उसका तो पक्का नंबर आ जाएगा भाई साहब, 4 ही नंबर से रहेगा उसके, आप में से कोई है भारतीय जो कॉलेज में जाने की उम्मीद कर रहा है, छोड़ दो कह रहा, अच्छा आप कितने नंबर आए आपके, 667, चलो बढ़िया, चलो सीए करने वाला बच्चा कॉलेज से दूर रहे तो बढ़िया है, मैं उसको पर्सनल एडवाइस दे रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है भाई, चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन करें भाई,
साउथ, वो बच्चा मैं हूँ। अच्छा निखिल कह रहा है वो बच्चा मैं हूँ। अच्छा निखिल भाई यार यू आर ग्रेट। चलो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? रामू वॉक, रामू कोई भी रामू हो सकता है, 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड वेस्ट। मान लो रामू जी यहां पे थे, उनका घर यहां पे, अब वो वेस्ट में चले, तो वेस्ट भाई डायरेक्शन बनाने के बाद होता है ना डायरेक्शन, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब रामू चला 5 किलोमीटर वेस्ट में, तो वेस्ट किधर है भाई? इधर चला, देन टर्न राइट। अगर आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे देखो अपनी मुंडी इधर करो, तो आपका राइट किधर होगा? ऊपर या नीचे? अरे ऐसे जा रहे हो ना, तो राइट किधर होगा? ऊपर इधर होगा, ऊपर इधर। तो राइट मुड़ गए और कितने चले? लो मैं चला 3 किलोमीटर। देयर आफ्टर शी टेक लेफ्ट, जाने के बाद उसका मत्था खराब हो गया, उन्होंने कहा मैं उल्टा मुड़ूंगा। तो अब आप सीधे जा रहे हो, तो आपका उल्टा किधर होगा? इस साइड। कितने चले? 2 किलोमीटर चले। फर्दर ही टर्न लेफ्ट, फिर गुस्सा आया आपको, फिर उल्टे पड़ गए, तो उल्टे नीचे या ऊपर? नीचे, तो नीचे चल दिया। कितने चले? 3 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न राइट, फिर राइट मुड़ गए, पगला आ गया है भाई साहब, नीचे जा रहे, राइट क्या होगा वेस्ट में? हाँ भाई, भाई दे दोगा राइट। अब ये वेस्ट में अब जा रहे थे, ये घर इधर है, आंसर क्या आएगा? क्या पूछता है? इन व्हाट डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से वो किस डायरेक्शन में? अरे ये रहा उसका घर, ये इधर जा रहा बदतमीज, तो ये डायरेक्शन कौन सा है इधर? अरे भाई देखो ये कौन है, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, डायरेक्शन तो आसान है। ठीक है ये रहा डायग्राम, बना सकते हो आप चीटिंग करके, मैंने बना दिया था ऊपर, आप चीटिंग करके बना सकते हो। हाँ जी कर रहे हो बेटा, चाय पानी का इंतजाम किया जाए? जाओ लियो बाहर मार्केट से, क्या दिक्कत वाली बात है, पैसे निकालो जाओ बाहर, एक चाय वाले बेचारी बिक्री हो जाएगी कुछ उसकी। मेरी क्लास में खाते खाते पढ़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, बस फोकस करो पढ़ाई, खुद भी खाओ हमारे नहीं मिलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हो गया बाल को, हो गया बेटा रामू पागल लगता है, सही कह रहा है यार, बिल्कुल सही कह रहा है, कभी उल्टा कभी सीधा, बस एक ही डायरेक्शन ले भाई, क्या करे इतने ज्यादा मोड़ है उसके घर के, उसका घर भूल भुलैया वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन, डायग्राम तो चीटिंग हो रही है, कोई बात नहीं, तो डायग्राम को मत देख निखिल भाई, बस क्वेश्चन को देख और डायग्राम बना। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग, गोपाल ने चलना स्टार्ट किया 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। सर आप, आपका स्कूल किधर है हमें क्या पता, मान लो जी इसका स्कूल है, अब वो इससे सीधे जा रहा है वो 2 किलोमीटर, अब भैया वो जाएगा इस साइड या इस साइड, सीधा किधर भी हो सकता है, मुद्दे की बात है नहीं है। अगर मान लो मैं सीधा जा रहा हूं, तो ये डिपेंड होना चाहिए कि मेरा फेस किधर है, मैं उधर भी जाऊंगा भाई, राइट
पर अभी कुछ पता चला कि वो किधर जा रहा है। उसने बोला गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज अपने स्कूल से वो सीधे 2 किलोमीटर चला। अब हमें नहीं पता इसका स्कूल कहां पर है और वो किधर जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है या ईस्ट में जा रहा है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर अगेन, ही टर्न राइट एंड 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस। इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट, यहां से आने लगा, इफ हिज हाउस इज, अगर उसका हाउस साउथ ईस्ट में, इसका मतलब उसका घर यहां पे कहीं होगा, तभी तो ये साउथ ईस्ट बनेगा। नहीं बनेगा भाई, क्योंकि देखो डायग्राम देखिए, ये है ईस्ट और ये है नॉर्थ, ये वाउथ और ये साउथ और ये वेस्ट, तो साउथ ईस्ट यही तो होगा बेटा। इसका ना स्कूल और घर में टेढ़ा टेढ़ा एंगल जा रहा है, तो समझ। अब इसका मतलब वो जाएगा तो भैया वो ईस्ट की तरफ जाएगा, तभी तो उसका साउथ ईस्ट में घर पहुंचेगा। अगर कहता साउथ नॉर्थ वेस्ट तो वो इधर एंगल बन जाता। अब क्या कह रहा, चलो 2 किलोमीटर सीधे गए, गए 2 किलोमीटर चले गए, एंड देन ही टर्न राइट, राइट में चला गया। चलो भाई राइट में चला गया, कितना गया वो 1 किलोमीटर चला गया, 1 किलोमीटर चला गया भाई। 1 किलोमीटर जाने के बाद उसने क्या किया, अगेन राइट मुड़ा, तो राइट मुड़ गया, यहां चला गया, ये घर आ गया उसका। तो घर और स्कूल का साउथ ईस्ट में आ गया। अब क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट, सिंपल सी बात है, उसने कहां से स्टार्ट किया था, स्टार्ट करना ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। तो आंसर इज ईस्ट। कैसे पता चला भाई, साउथ ईस्ट में उसका घर है तो साउथ ईस्ट में वो इधर आएगा। अगर वो कहता साउथ वेस्ट या सॉरी साउथ वेस्ट, तो ईस्ट साइड आता तो इधर चलता, फिर वो ईस्ट साइड चलता वो वेस्ट में, लेकिन कहना साउथ ईस्ट यहां पहुंचेगा तो यहां से यहां गया, यहां से आगे आगे, उसका घर कितना है, वो ईस्ट डायरेक्शन में गया। और इसी के बारे इसके रिपोर्ट कुछ अच्छा क्वेश्चन, क्या लोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पे बच्चा फंस सकता है। चलिए उतार लीजिए इसको, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, जिसमें आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। पहली कैटेगरी थी नॉर्मल क्वेश्चन की, अब दूसरी कैटेगरी आने वाली है घड़ी वाली। मेरे पास भी घड़ी है, तो घड़ी वाले क्वेश्चन आने वाले आपके, और घड़ी वाले क्वेश्चन एक भी किताब में नहीं है, और पेपर में आते हैं घड़ी वाले क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, एक भी क्वेश्चन किताब में नहीं है घड़ी वाला, और पेपर में आते हैं घड़ी वाले क्वेश्चन। तो पहला टॉपिक था सिंपल क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक है बेटा, लिखिए टॉपिक नंबर 2 है रिलेटेड टू क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज। टॉपिक का नाम है क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज, डायरेक्शन रिलेटेड टू क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज, डायरेक्शन रिलेटेड टू, डायरेक्शन रिलेटेड टू क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक। अब क्वेश्चन आएगा, कोई बंदा घड़ी की दिशा में और घड़ी के उल्टी दिशा में, घड़ी चलती है ना, अरे राइट में घूमती है घड़ी और उल्टी घड़ी लेफ्ट में घूमती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन कराता हूं इससे रिलेटेड भी, आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूं। चलिए ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, शायद नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है, ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, एक इंसान का जो चेहरा है वो कहां पे, वेस्ट में, ही टर्न 45 डिग्री इन दी
क्लॉकवाइज, वो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम गया, एंड देन अनदर 180 डिग्री, फिर वो 180 और घूम गया सेम डायरेक्शन में, और देन बाद में उसका मन बदल गया, वो वापस से 270 डिग्री हो गया एंटी क्लॉकवाइज। मम्मी की याद आई, डंडे पड़े घूमने जा रहा हूं वापस आ जाओ। तो बताइए उसका फेस अब किस डायरेक्शन में है? क्वेश्चन समझ में आया सर? कहां समझ में आया पहले बताओ, कैसे बनेगा बता दो। क्वेश्चन पढ़ लिया, ये समझ में आया या नहीं? यार क्वेश्चन पढ़ा था। अब पढ़ते, एक आदमी का फेस किधर है? चलो एक आदमी बना लेते हैं, उसका फेस वेस्ट है। ये होती है डायरेक्शन का नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यही होती है। सुनो सुनो, आदमी का फेस किधर है? वेस्ट में। यहां पे आदमी खड़ा इधर देख रहा है, इधर देख रहा है। अब वो घड़ी की दिशा में कितना घूमा? 45 डिग्री घूमा। चल मेरे भाई घूम गया यहां पे, सलमान खान आ गया यहां पे देख लिया। कितने डिग्री घूमा वो जानते हैं? पूरा कितने डिग्री का होता है? 90 का होता है। तो इसका मतलब वो आधा यहां तक घूमा, यहां देख रहा है अब, यहां देख रहा है ये 45 डिग्री था ना बेटा, यहां देख रहा है वो। अब अचानक से सलमान खान को इधर, भाई यार छोड़ अब तो कैटरा कह, चलो वापस वापस। वो वापस घूमा कहां? घड़ी की तरफ में कहां, और आगे गया कितना डिग्री और गया? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहां से यहां हो गया बेटा बिल्कुल। आपको बताया पूरी सी लाइन 180 डिग्री होती है, वो यहां पहुंच गया, यहां पे खड़ा। ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट। ये कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट। ऐसे अब यहां पहुंचा कैटरीना कैफ के पीछे पीछे, उसे याद आ गया, अरे यार अली सर की क्लास है भैया, वापस चल यार, 10 बजने वाले हैं, वापस चल दोस्त, चल रहे वापस से। ये वापस कितना घूमा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। अभी यहां से वापस गया कितना डिग्री? 2। अब 270 डिग्री कितना होगा? 180 यहां हो गया, 180 यहां हो गया, 180 में कितना ऐड करो? 90। तब वो घूमते घूमते कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। आ गया घड़ी वाला क्वेश्चन, कि घड़ी की दिशा में घूमे फिर वापस घूमे और अपना चेहरा बताओ किधर? इतना प्यारा सुंदर चेहरा सर क्लास में आके बैठ गया आरके जी में, ठीक है। पहले गया सलमान को देखने, फिर कैटरा के को, फिर याद आई मैथ्स की क्लास है एलआर की, चलो वापस से। तो वापस से वो आ गया, तो कहां बैठ गया? वो साउथ वेस्ट में बैठ गया। चलिए आगे बढ़े, पक्का बता लीजिए, तालिया। अरे विद्यार्थी तालिया, देखिए हमारा आंसर सही भी है या नहीं है। ये देखो जी, इसने बनाया डायग्राम, ठीक है। तो घड़ी वाला क्वेश्चन समझाया थोड़ा बहुत, चलो आगे बढ़ते। चलिए ये तो वही क्वेश्चन लग रहा है मुझे, नहीं है वही? यहां पे आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ये रहा, दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है? श्रीकांत इज फेसिंग ईस्ट। जरा करिए इस क्वेश्चन को फटाफट से, फटाफट इस क्वेश्चन को बनाइए डायरेक्शन,
इस बार वो ईस्ट में खड़ा हुआ है। क्या आंसर है? ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन सबका सर सेलेंसी के भेज दो पी वाई क्यू एस। भाई एक बार बताओ, सेंटर टेंडेंसी पूरा हो जाने दो तभी मैं उसका असाइनमेंट भेजूंगा। अभी सेंटेंसी पूरा कहा हुआ उसका, तो पहला यूनिट नहीं हुआ पूरा, अभी अभी क्वेश्चन बचे ना उसके भी, क्वार्टाइल तक हुआ था अभी। अब क्वेश्चन होंगे अगले का। क्या आंसर इसका? नॉर्थ ईस्ट। सबका आ गया भाई, ये क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा, ये आपका इस बार के पेपर का क्वेश्चन कह रहा है, जून 2023 का पेपर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। पक्का? देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया, ये फिर आया वाले ये क्वेश्चन अभी कहता है क्लॉकवाइज 45 डिग्री वाला, 180 वाला और 45 डिग्री वाला। वही क्वेश्चन तो हमने किया था पहले भी। अब ये क्वेश्चन देखिए, द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक। अच्छा वो क्वेश्चन पहले वाला हो गया था उसका, या मैं कराऊं? करा दूं? एक बार मैं करा देता। चलो तो क्या कह रहा है, श्रीकांत इज फेसिंग ईस्ट। तो श्रीकांत भाई कहां पर है? यहां से यू देख रहे हैं, अरे तेरी कौन हीरोइन आ रही है? ईस्ट एंट्रेंस 120 डिग्री क्लॉक वाइज। तो क्लॉक तो इधर घूमेगी बेटा, तो 90 ये हो गया और लगभग 30 ये हो गया, यहां पहुंच गए वो आगे। एंड देन टर्न 180 डिग्री, तो वापस घूमे, तो 120 तो यही पहुंच गए। अब कितना जाएंगे वो? 60 और, तो 60 लगभग यही होगा। तो ये डायरेक्शन पहुंच गए। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ और ये ईस्ट। कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी, पक्का? अरे बोलो यस और नो। आगे बढ़े नहीं बढ़े? बढ़ जाएंगे। हाँ बेटा हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम कह रहे थे कहां पे आते हैं, एक घड़ी वाला दिख रहा है, घड़ी वाला क्या दिख रहा है? द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज वेस्ट, मतलब घंटे की जो सुई है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं डायग्राम की बात करूं, और कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। तो भैया ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ठीक है, और ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। इस बार क्या कह रहा है वो, घंटे की सुई कितनी है इस बार? वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब उल्टा कर दिया इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया है, घंटे की सुई को बनाया है वेस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट, अगर ये वेस्ट होगा ये ईस्ट होगा, ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना ये भी। अब घंटे की सुई यहां पर है और कितने बज रहे? 3। तो 3 इधर आएगा ऊपर आएगा? बताओ यहां आएगा या आएगा, किधर आएगा? यही तो आएगा, ठीक है भाई, ये बजे 3। अब क्या कह रहा है वो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड। तो मिनट हैंड की कौन सुई है? ये वाली सुई है। व्हेन टाइम इज 6:45, जब 6 बज जाएंगे तो मिनट की सुई कहां पे होगी बताओ?
बताओ। 6 बजते हैं, बज के 45 मिनट का मतलब होता है 9 पर सुई को पहुंचना, 9 पर सुई को पहुंचना। तो 9 पे सुई पहुंचेगी तो किधर होगी? 9 20 में होगा। कैसे बेटा? यहां पे कितने बजे थे? 3, 6 और कितना आएगा? 9। तो यहां पे आ जाएगी मिनट की हैंड। ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ईस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन ना जब एग्जाम दे जाओगे तो परेशान करेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि उसने घड़ी की डायरेक्शन बदल दी। देखो बेटा, 6:45 का मतलब क्या होता है? बट जो घंटे वाली सुई है वो 6 और 7 के बीच में होगी, और 45 का मतलब मिनट वाली सुई 9 पे होगी। अगर मान लो ये सुनो, 3 बज रही है, 3 है ये, 6 है ये, 9 है ये, 12 है, तो मिनट की जो सुई वो यहीं पे तो होगी बेटा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और जो परेशान करेगा आपको, क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे तो जल्दी माइंड में ग्रिप नहीं करता ये कहना क्या जा रहा है। इसने उल्टा ही कर दिया घंटा, उसने कहा घंटे की सुई वेस्ट में है। ठीक है जी, बात सुन पाएगी? क्लियर बोलो। नहीं क्लियर हुआ? अरे बाबा, क्या किया जाए, क्या किया जाए, एक बार और किया जाए। चलो एक बार और किया जाए। वो क्या कह रहा है? द घंटे की सुई कहां पर है? 3 बज रहे हैं। चलो भाई 3 बजा दो, 3 बजा दिए, 3 यही तो बजते भाई, ये 3 बज रहे हैं। तो घंटे की सुई यहां पे और ये 12 पे होगी मिनट की सुई, 12 पे होगी होगी। अब वो कह रहा है 6:45 पे, अगर 3 यहां बजेंगे तो 6 यहां बजेंगे, और लगभग यहां पे आ जाएगी कौन सी वाली सुई? ये वाली सुई यहां पे आ जाएगी, और जो मिनट की सुई घूम 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 के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के कहां पे आ जाएगी? 9 पे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अरे घड़ी देख घुमा, अरे घड़ी 12 बजे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान लो 7, 8, 9 तो यहीं पे आई मिनट की वैसे हुई। वो मिनट की बात कर रहा है, घड़ी देख किसी, घड़ी देख 9 कहां पर है? सिंपल सी बात है, 12 से 9 पे आएगी तभी तो 45 होगा भाई। 9 मतलब 45 मिनट, अब कंफ्यूज मतलब 45 मिनट ले जाएगी आप लोग। गुड नाइट, शाबाश सर, 6:45 पे गुड नाइट कर दिया इसने। बाहर बारिश हो जाएगी कि नहीं? तो आपको क्लॉक और एंटी क्लॉक की बातें हमने बताई। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बनता है एंगल वाला, एक क्वेश्चन बनता है घड़ी की सुई वाला। यस बेटा, अगर वो नहीं गिवन होता तो ये ईस्ट होता। अब उसने जान बुझ के वेस्ट कहा है ना आपको परेशान करने के लिए, घुमा लो अपने डायल। देखिए इस क्वेश्चन में अपना थोड़ा दिमाग तो चलाना पड़ेगा। हाँ जी हो गया, चलो आगे बढ़े। तो आपने घड़ी वाली बात पढ़ी, दो टॉपिक कंप्लीट, मतलब पहला टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने इस सिंपल वाले क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब तीसरा बात आएगा, टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। देखिए टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस,
लिख लिया बेटा। टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, टॉपिक 3 है ये। पहला टॉपिक था सिंपल, दूसरा था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा है क्या कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको, क्या करना है डिस्टेंस। चलिए एक पर्सन वॉक, एक आदमी चला, कितना चला 1 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। मान लो आदमी यहां पे खड़ा है, वो 1 किलोमीटर गया कहां पे, वेस्ट में गया। एंड ही टर्न टू साउथ, मतलब नीचे चला जाएगा, साउथ चला गया। एंड वॉक 5 किलोमीटर वो चल गया। जब वो चला अगेन ही टर्न टू वेस्ट, फिर वेस्ट में चला गया। कैसे कैसे पागल लोग हैं, कितना गए ये 2 किलोमीटर। आफ्टर ही टर्न टू नॉर्थ, फिर वो नॉर्थ में जा रहा है, कितना जा रहा है 9 किलोमीटर। जाए 9 किलोमीटर, तो ये दो, तो ये यहां तक कितना होगा बेटा, ये तो 5 होगा, ऊपर है कितना होगा 4। हाउ फार इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, पहले यहां पे था अब कहां पहुंच गया यहां, तो ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है। अगर ये यहां से यहां तक 1 है और ये नीचे कितना है 2, तो ये पूरा ये 2 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब अगर आप ध्यान से देखो, बचपन में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता था और पाइथागोरस थ्योरम लगती थी, क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मतलब ए बी का जो स्क्वायर होगा वो होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 दैट इज, और 25 का रूट कितना होता है बेटा 5, तो आंसर इज 5। बता लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मजा आएगा जब प्रैक्टिस करोगे। 5 नंबर का सवाल है बेटा, बहुत से बच्चे ना बहुत स्लो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लीज वो स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि असाइनमेंट बहुत सारे मिलने हैं आपको और पेपर दिसंबर में ही है, ज्यादा दूर नहीं है बेटा, मई में नहीं है, तो दिसंबर वाले बच्चे प्लीज स्पीड को मेंटेन करें। अच्छा देखिए, जो बच्चा लाइव ले रहा है वो मेरी 2 मिनट बात सुन ले, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए आपको। एक बैच स्टार्ट हुआ था अप्रैल में और एक बैच स्टार्ट हुआ 6 जून को, जो 6 जून को स्टार्ट हुआ था उसमें एपीजी भी हुआ है अभी और सेंट्रल टेंडेंसी चल रहा है, और उसमें हुआ है कोडिंग डिकोडिंग और ये डायरेक्शन चल रहा है। ये है 6 जून वाले बच्चों का शेड्यूल। इससे पहले जो अप्रैल में हुआ था वो चैप्टर 1 और चैप्टर 4 हुआ था, मैंने बोला है और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होइए। आपने अगर 6 जून से ज्वाइन किया है तो आप 6 जून के शेड्यूल को फॉलो कीजिए, क्योंकि एपीजी भी पढ़िए, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़िए, एलआर में पढ़िए और ये पढ़िए। दिसंबर वालों की बात हो रही है, ठीक है, मई वालों की कोई बात नहीं हो रही है, मई वाले बिल पे ना ले। और अगर उस बच्चे के पास अगर टाइम अवेलेबल है तो जो पीछे की रिकॉर्डिंग अगर वो देखना चाहता है तो चैप्टर 1 और चैप्टर 4 की ऑलरेडी क्लासेस अपलोडेड है, वहां पे वो देख सकता है, कर सकता है, मेरी बात हो जाएगी बात, तो उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और बाद में मैं कराऊंगा भी, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आप वहां से रिकॉर्डिंग पढ़ते हो धीरे धीरे, जब मैं कराऊं तो आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको 2 बातें बता देना चाहता हूं कि बच्चे हर
दूसरे तीसरे दिन एक ना एक मुझे मैसेज भेजते हैं कि सर हम 6 जून वाले हैं। मैं, अरे आप कोई से जून वाले हो, पेपर तो दिसंबर में देने आपको, सोच के देखो पेपर दिसंबर देना तो पढ़ना तो सारी है मेरे भाई। और जो बच्चे लाइव नहीं आते वो तो रिकॉर्डेड देखते ना, उनके चाहे पेपर बैच अप्रैल में शुरू हो 6 जून में, जो नहीं आते वो तो रिकॉर्डेड देखते, वो कोई से भी देखते भाई। सोचने वाली बात है, जो बच्चा रिकॉर्डेड ही देखता है तो उसके लिए क्या लाइव और क्या वो सारा देख ले भाई, 2x में देख ले। अगर वैसे देखते 2x में आप लोग या 1.5x में देखते होंगे, तो ज्यादातर बच्चे यही देखते हैं क्योंकि अली सर की बकवास बंद हो, आगे बढ़ो, जैसी बात आई चलो आगे बढ़ो, ये तो भक्त बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक डिस्टेंस वाला क्वेश्चन और कराते हैं आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 90% बच्चों को कंफ्यूज होता है इस क्वेश्चन में, दिखाई दिया होगा आपको। ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस, ए और बी दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं अलग अलग स्थान से, उनके बीच में दूरी कितनी है 200 मीटर की है। आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर, 60 मीटर चलने के बाद बी क्या हो गया, नीचे मुड़ गया, बी को टेढ़ा जाना पसंद है, और कितना गया 20 मीटर चला, और बाद में क्या हुआ वो राइट मुड़ गया। ही देन टर्न राइट अगेन एंड कम बैक टू द रोड, अरे रुको सर अभी तो स्टार्ट किया है, रोड पे वो वापस आ गया। विच इट ही स्टार्टेड वॉकिंग इफ वी एंड वी वॉक सेम स्पीड, अगर वो एक ही स्पीड से चल रहा है दोनों ए और बी, तो बताइए आपस में कितनी दूरी पर रह गए, ए कितनी पर रह गया और बी कितनी दूरी पर रह गया, दूरी मुझे डिस्टेंस कितना रह गया। अगर आप डायग्राम बनाओ तो अच्छा डायग्राम, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है बट समझने वाला डायग्राम है, देखो ध्यान से समझ के बनाना। देखिए कह रहा है इनके बीच की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी है, अरे कितनी दूरी है 200 मीटर है। ए यहां से चल रहा है, बी यहां से चल रहा है, चल मेरे भाई चल मेरे भाई। बी चला कितना 60 मीटर, और 60 चलने के बाद कहां भाग गया वो नीचे भाग गया, कितना 20 मीटर। फिर क्या किया उसने, कितना चला वो 40 मीटर चला, ठीक है। फिर वो भग गया कहां पे, अरे कहां भग गया ऊपर भग गया, कितना 20 मीटर, वापस से रोड पे आ गया अपने, वापस से रोड पे आ गए। ये बताइए बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया और ए ने, पहले बताओ ए ने कितना कवर किया डिस्टेंस, ए ने 60 किया, ए की स्पीड कैसी है, तो बी ने जितना करा हो उतना ए ने करा हो ना, ए लेकिन सीधा गया तो कितना गया 60 और 20, 40 और 20 कितना हो गया 120, 100। तो ए ने चला कितना डिस्टेंस, ए चला 140, ठीक है, ए यहां पे 140 पहुंच गया। बी कितना चला भाई उसी रोड पे, केवल 100 चला, कैसे 60 ये चला और 40 ये चला, तो बी कितना चला 100, बी यहां पहुंच गया। अब बताओ दोनों के बीच में दूरी कितनी 40। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके आगे लिखिए सुपर स्टार क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराऊंगा फिर आपका डायरेक्शन की बात खत्म, और फिर हमारे प्रकाश सर भी आ चुके हैं, बोले सर क्लास बंद कर दो, क्लास बंद कर दो, मैंने अभी तो शुरू किया, बीसीआर वाले सर आ चुके हैं। प्रकाश सर 10 मिनट और वेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे दो क्वेश्चन और एटलीस्ट कराने हैं, इसके एक शेडो वाला और एक क्वेश्चन और कराना, तब ये डायरेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, केवल आपकी प्रैक्टिस बचेगी।
टी बात समझ में आई, डिस्टेंस निकालो समझ में बेटा। चलो आगे सर, वो नेक्स्ट टेस्ट कैन यू टेल द ओके बेटा वो कह रहा है, दोबारा समझ लो क्या कह रहा है, वो कहना चाह रहा है क्या कि भैया भैया आपके पास ये दूरी है 200 मीटर, यहां पे ए है यहां पे बी है, दोनों की स्पीड सेम है, ए तो सीधा सीधा जा रहा है, बी में बीमारी और टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, बी क्या कर रहा है पहले 60 मीटर जाता है, उसके बाद 20 मीटर नीचे होता है, फिर 40 मीटर जाता है, फिर वापस से अपने रोड पे आता है, मजे लेके चल रहा है। अब बी यहां पहुंच गया, एक कह रहा मैं सीधा इंसान हूं चल जाऊंगा, तो ए ने उतना डिस्टेंस कवर किया होगा जितना बी ने किया, तो बी कितना चला 60, 60 और 20, 80, 80 और 40, 120 और 140, इस तरह ए पहुंच गया चलते 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 140 पर, यहां कहीं पहुंच गया ठीक है, और बी इसी रोड पे कहां पहुंचा सर 60 ये और 40 ये, तो बी यहां 100 पे पहुंचा, अब बी ने 100 डिस्टेंस कवर करा, ए ने 140, अब दोनों के बीच में दूरी कितनी हो गई 40, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन और, ये रहा क्वेश्चन शैडो वाला, टॉपिक का नाम है शैडो रिलेटेड क्वेश्चन, शैडो शैडो मतलब परछाई, परछाई वाले क्वेश्चन, इस शैडो के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, परछाई वाले आप खड़े हो आपकी परछाई आपके पीछे होती है ठीक है। इधर देखिए, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, एक दिन सूर्य उदय हुआ सूरज निकल गया, विक्रम और शैलेश वे आर स्टैंडिंग इन डाउन विद देयर बैक टूवर्ड्स, दो बंदे विक्रम एक शैलेश, दोनों को हो गई गुस्सा पट्टी, तेरा चेहरा ही हुआ, तेरा चेहरा ही हुआ, दोनों एक दूसरे की पीठ लगाए खड़े हैं, मतलब यहां पे विक्रम खड़ा है, मान लो यहां पे शैलेश खड़ा है, दोनों की पीठ मिली हुई है, ये विक्रम है ये शैलेश, फॉर एग्जाम्पल के विक्रम शेडो फेल एग्जैक्टली टूवर्ड्स लेफ्ट, विक्रम की जो शेडो है वो लेफ्ट में पड़ रही है, अगर विक्रम इधर खड़ा हुआ है इधर फेस करके वेस्ट में, तो उसका लेफ्ट कहां पे होगा, साउथ में होगा नीचे की तरफ, तो मतलब विक्रम की शेडो यहां पे आ रही है, एंड विच डायरेक्शन वाज शैलेश फेसिंग, तो शैलेश का फेस किधर है बताओ, आसान है, ये विक्रम वेस्ट में खड़ा है तो शैलेश क्या होगा, ईस्ट में नहीं होगा, भाई सिंपल सी बात है, ये विक्रम था ही शैलेश था, अब विक्रम की शेडो लेफ्ट में आ रही है मतलब साउथ में, अच्छा एक मिनट, मॉर्निंग में तो वो होता है सूर्य उगता है, ये तो कुछ और पूछेगा, हम तो कुछ और बोल दिए, क्या बोल रहे हैं, ये तो गलत बात है। चलिए, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज विक्रम एंड शैलेश वेर स्टैंडिंग इन द डाउन डाउन विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर, स्टैंडिंग इन डाउन, डाउन मतलब, डाउन मतलब क्या होता है बेटा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब, मतलब अगर हम बात करें इसकी, ये विक्रम और ये शैलेश दे आर बैक टूवर्ड्स ईच अदर ठीक है, डाउन मतलब नीचे मतलब साउथ हो गया, अब वो कह रहा है विक्रम शैडो
विक्रम की शेडो क्या पढ़ ली है? एग्जैक्टली टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो विक्रम की लेफ्ट में पढ़ ली है। तो विक्रम का लेफ्ट किधर होगा? वेस्ट में। तो शैलेश अगर यहां पे इसका फेस कितना हो जाएगा? साउथ। देखिए एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब हम कंफ्यूज हो सकते हैं तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रैक्टिस मांगती है इसके अंदर बेटा, खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे ही चलेगा काम। चलिए उतार लीजिए इसको। क्या उतारे सर इसके अंदर? क्या उतारना क्या इसके अंदर? चलो अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है प्रकाश सर, आखिरी क्वेश्चन है, मैं चिंता हूं तो। चलिए ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हाँ भाई, ए मैन कैन वॉक बाय हैविंग लॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट स्टेप। एक आदमी लंबे कदम से, छोटे कदम से और मध्यम कदम से, मध्यम मतलब मध्य स्टेप से आगे बढ़ रहा है, एक आदमी बढ़ रहा है। चलो वीर तुम बढ़े चलो, लंबे लंबे कदम लगे, फिर मीडियम, फिर छोड़, थक गया तो छोड़ कर लगे। ही कैन कवर 60 मीटर बाय, वो 100 लंबे स्टेप चलेगा तो 60 मीटर की दूरी तय करेगा। मतलब 100 लॉन्ग स्टेप में कितने मीटर? 60 मीटर। तो एक लॉन्ग में कितना चलेगा? 60 बाय 100। उसने टोटल कितने स्टेप चले? 500। तो 5000 में कितने चले और कितने मीटर चले बताओ, निकालो मीटर, कन्वर्ट करो, कितने आएंगे? 300 या 3000? 3000 मीटर वो चल गया, मतलब उसने डिस्टेंस लंबे कदम से 3000 मीटर चला आगे। उसके बाद मीटर बाय 100 मीटर बाय 2 मीडियम 200 मीडियम से कितना गया वो? तो 200 मीडियम से गया वो 100 मीटर। तो 1 मीटर कितना हो गया? 200 स्टेप से, तो 100 बटे में 200। कितने चले उसने मीडियम स्टेप? 6000। तो कितना डिस्टेंस कवर किया बताना? ये भी 3000 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है वो? 80 मीटर कितने स्टेप में? 200 में। तो 200 में चले 80, तो 1 में 80 बटे 200 इंटू कितना चला बेटा वो? 2500। तो बताओ कितना हुआ, बताइए कितना आया? 1000 मीटर पक्का। तो उसने डिस्टेंस कवर किया 3000 मीटर और 1000 मीटर, ये आ गया आपका डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने के बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेन क्या कह रहे हो पढ़ो, यहां से पढ़ो और डायग्राम बनाओ। कितना कितना आया था? 3000 और 1000, याद रखना बेटा। क्या कह रहे हो? He walked 5000 long step, then he turned left. वो 5000 लंबे स्टेप चला, तो 5000 लंबे स्टेप में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था बेटा? मान लो वो 5000 ही चला, ये चला 5000, तो 3000 मीटर उसने कवर कर लिया वो यहां पर। उसके बाद वो क्या कर रहा है? तो लेफ्ट नीचे आएगा, ऊपर आएगा? अरे आप ऐसे जा रहे हो, तो लेफ्ट ऊपर आएगा ना, लेफ्ट ऊपर गया। कितने कदम चला वो? 6000, तो 3000 चला भाई वो भी। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद क्या रहा है? ही टर्न राइट, वो राइट में मुड़ गया। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो राइट क्या हुआ? इस साइड, यहां मुड़ गया। कितना चला? 1000 मीटर चला। अब यहां से लेके ये वाली दूरी निकाल लिया, मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है जी।
ये वाला है डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं इस डिस्टेंस को निकालना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे ट्रायंगल बना सकता हूं? ये कितना डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस कितना है? 1000। ये डिस्टेंस कितना है? तो क्या बन गया ये ए बी सी, क्या बन गया? ए सी का स्क्वायर बराबर ये 3 और 1 4000 का स्क्वायर प्लस 3000 का स्क्वायर, 4 3 9 9 25 25000 का स्क्वायर। तो ए सी कितना हो गया? 5000, 500 मीटर। 5000 5000 कितना आ रहा है? 5000 भाई, ठीक है। ये जो डायग्राम था एक बार दोबारा बताओ क्या नहीं हो गया। चलो बता दो डायग्राम, बता दो उसका फटाफट। क्या करेंगे सभी विद्यार्थी इस हफ्ते पूरा डायरेक्शन खत्म करेंगे, ये धीरे धीरे रोज 10-10 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं 140 क्वेश्चन है बस। 10-10 20-20 क्वेश्चन करोगे और किताब में 70 क्वेश्चन है तो मतलब 210 क्वेश्चन हो गए। किताब के क्वेश्चन 60-70 है या 50 के करीब है और इसमें 140 है तो 200 क्वेश्चन तो ये भी हो गए। और 200 क्वेश्चन बहुत होते हैं अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए, इससे ज्यादा आप प्रैक्टिस कर भी नहीं पाओगे। सर ये लॉजिकल रीजनिंग छोड़ो, मैं सोने लगी। बेटा क्या करे, शुरू में लगता है अजीबोगरीब, बाद में मजा आता है धीरे धीरे। ये बताओ अगर सब कुछ आसान दे दे आईसीए वाले तो सीए तो बिल्कुल हाथ में चल लेगा भाई साहब। तो चलिए प्रकाश सर मुझे बाहर से कह रहे बार बार सर बस बस बस, उनको कहीं जाना भी है थोड़ा सा, बीसीए क्लास भी आपकी। तो चलिए इसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगे तो मैं अगले हफ्ते में करा दूंगा। हाँ डाल दी सुबह मैंने पीडीएफ। हाँ बेटा तभी तो कह रहा हूं मैं ज्यादा नहीं करा रहा, कोई बात नहीं करते रहे, कोई बात नहीं। अगले संडे एलआर नहीं लूंगा, केवल डाउट लूंगा एलआर के। अगला चैप्टर तब चुका जब तक दोनों चैप्टर कंप्लीट नहीं रहते आपके। जब तक आप ये दोनों चैप्टर नहीं कर लोगे तब तक मैं आगे अगला एलआर का चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। डाउट ले लूंगा संडे को ही एलआर के, ठीक है। ओके डाउट ही नहीं है, ओके ओके भाई।